हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल पिछले क्लास में हम लोग डिटर्मिनाट पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स का स्टडी किया कि मैट्रिक्स क्या है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है क्या यूजेज है इस तरह की चीज़ों का हमने स्टडी किया अभी मैं टेलीग्राम पर लिंक भी भेज देता हूँ बहुत बच्चों को नहीं मिल पा रहा है तो मैं उनको लिंक भेज देता हूँ गौरव गुड इवनिंग पहुंच गया उत्तम शुक्ला गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल अमृतांश गुड इवनिंग गुड इवनिंग आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनाट के बारे में पिछले क्लास में मैट्रिक्स पढ़े थे उसमें मिसलेनियस भी है मिसलेनियस आप बनाओगे उसकी चर्चा हम फिर अलग से करेंगे आज हम डिटर्मिनांट बहुत ही यूजफुल चैप्टर है इसका इस्तेमाल यहाँ भी होगा और आगे भी होगा ठीक है और इससे एक सवाल दो सवाल एग्जामिनेशन में जरूर रहते हैं इसलिए डिटर्मिनाट को अच्छे से पढ़ो अच्छे से जानो नित्या गुड इवनिंग ठीक है तो ये सबको जानना है सबको समझना है आज अच्छे से और जिसको समझ में नहीं आए नंबर भी दिया हुआ है सब कुछ दिया हुआ है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं राइट तो चलो हम डिटर्मिनांट की बात करते हैं सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि डिटर्मिनाट आखिर में है क्या किसको हम डिटर्मिनाट कहते हैं ठीक है और ये कैसे जुड़ा हुआ है देखो जितना भी बच्चे जुड़े हुए हो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि क्लास आप डेली करें ठीक है डेली जब क्लास करोगे जी तभी आपका क्या होगा कि मैथमेटिक्स पर पकड़ बनेगा आप एक दिन क्लास करते हो फिर क्लास छोड़ देते हो फिर क्लास करते हो फिर क्लास छोड़ देते हो तो इससे आपको क्या कि आगे बहुत परेशानी होने वाली है और मैथमेटिक्स क्या है कि हर चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है जैसे मैं डिटर्मिनट आज को आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो डिटर्मिनट का जब तक आप फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ोगे आपको सेकेंड चैप्टर समझ में नहीं आएगा जब तक आप सेकेंड नहीं पढ़ोगे तब तक थर्ड चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो डिटर्मिनट को आप शुरुआत से ही पढ़ना है और हर चैप्टर को पढ़ना है तब जाके बात कुछ बनेगी राइट तो ये बात सबको समझ में आ रही है तो चलो हम डिटर्मिनाट स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि डिटर्मिनाट है क्या चीज इट इज ए नंबर एसोसिएटेड विथ ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको अभी समझ में नहीं आया पूछना जरूर कि डिटर्मिनाट एक नंबर है नंबर कुछ भी हो सकता है नंबर जो है दो तरह की बात हो सकती है नंबर वह रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स में इमेजनरी शामिल है आप एलेवेंथ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो डिटर्मिनाट एक नंबर है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ रिलेटेड है देखो मैट्रिक्स में क्या है कि रो और कॉलम की संख्या अलग अलग भी हो सकती है ठीक है तीन रो दो, दो कॉलम लेकिन डिटर्मिनाट में ऐसी बात नहीं है डिटर्मिनाट में रो एंड कॉलम की संख्या क्या होगी हमेशा बराबर होगी अगर रो एंड कॉलम की संख्या हमेशा बराबर नहीं हो तब उसको हम लोग क्या कहेंगे डिटर्मिनाट नहीं कहेंगे ठीक है डिटर्मिनाट ऐसे आप लिखें लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स और भी इसको आसानी से समझाते हैं इतना भी डिफिकल्ट नहीं समझना है आपको ये दोनों बात आप भूल जाइए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्ट फिर हम आगे ऊपर जो लिखा रहे हैं पढ़ाएंगे ये कैसे रिप्रेजेंट होता है डिटर्मिनाटे और ऐसे डिटर्मिनाटे और डिटर्मिनाटे ऐसे ये नीचे लिखते हैं तो या तो डिटर्मिनाट ऐसे लिखते हैं ये चाहे ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं और ये मैं आपको बता दूं ये मॉडलस नहीं है डिटर्मिनाट और मॉडलस में दोनों बातें अलग अलग होती है अभी मैं इसकी चर्चा करता हूं तो पहली बात आपने क्या सीखा कि डिटर्मिनाट एक नंबर है नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है और दूसरा बात आपने क्या सीखा कि दूसरा बात हमने सीखा दूसरी बात क्या हमने सीखा कि यस में रो एंड कॉलम की संख्या हमेशा इक्वल होता है स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है यानी इसमें रो एंड कॉलम की संख्या क्या होगी बराबर होगी तो दो बातें दो करेक्टरिस्टिक हमने समझा क्या क्या करेक्टरिस्टिक है इसके सेकेंड नंबर पॉइंट देखिए करेक्टिस्टिक ऑफ डिटर्मिनाट ईट इज ए नंबर और सेकेंड रू एंड कॉलम मस्ट बी इक्वल रू एंड कॉलम क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए इस बात को आप समझिए रो एन कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए तो एक नंबर है इसमें रो एंड कॉलम की संख्या इक्वल होना चाहिए तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है अभी हम मॉडलर्स के भी बात आते हैं कि डिटर्मिनाट देखो एक बात यहां पर मैं नोट में लिख दू सभी बच्चे जान जाए डिटर्मिनाट ऐसे लिखते हैं इसको आप नहीं कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस यहां पर हमने लिखा मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे डिटर्मिनाट ए पढ़ेंगे देखो अंतर क्या है एग्जाम्पल से अगर आप डिटर्मिनाट आप लिखते हो फॉर एग्जाम्पल एक स्क्वायर मैट्रिक्स है माइनस थ्री देखो ध्यान से इसका अगर हम डिटर्मिनाट लिखे वन रो वन कॉलम है इसका वैल्यू माइनस थ्री ही आएगा इसका साइन चेंज नहीं होगा मॉडुलस का कैरेक्टरिस्टिक अलग है सबको समझ में आ रहा है या नो में जवाब दो सब लेकिन अगर मान लिया जाए मैं यह लिखूं मॉडुलस माइनस थ्री इसका वैल्यू तीन के इक्वल आएगा तो ये दोनों बातें अलग अलग है डिटर्मिनांट एक डिफरेंट तरह का अलजेबरा है मॉडुलस को हम एबसेल्यूट वैल्यू बोलते हैं उसमें साइन हम नहीं करते हैं. तो डिटर्मिनांट स्क्वायर मैट्रिक से रिलेटेड है डिटर्मिनाट में जो नंबर है तो नंबर पॉजिटिव भी आ सकता है निगेटिव भी आ सकता है लेकिन मॉडल्स में वैल्यू हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा तो अंतर आपने समझा कि डिटर्मिनाट और मॉडल ये एलजेब्रा है इसका एक अलग तरह का हमको रूल्स पढ़ने हैं तो सबको समझ में आ रहा है उत्तम गौरव अमृतांश नित्या सबको आ रहा है समझ में आ रहा है समझ में बेटा यस या नो में जवाब दीजिए ये बात क्लियर आपको हो गया अब है जी कि मैट्रिक्स और इसमें डिफरेंस क्या है कई बच्चे पूछते कि सर मैट्रिक्स और इसमें डिफरेंस क्या है तो मैट्रिक्स और इसमें क्या डिफरेंस है आप समझ जाइए मैट्रिक्स क्या है नंबर है नहीं डिटर्मिनाट नंबर है मैट्रिक्स क्या है अरेंजमेंट है कोई अगर पूछे जैसे यहां पर देखिए थर्ड नंबर पॉइंट एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी तो यह एक अरेंजमेंट है इसमें दो रो और दो कॉलम है लेकिन जब इसी को हम डिटरमिनेंट के रूप में लिखते हैं डिटरमिनेंट है ऐसे तो इसका एक वैल्यू होता है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है एडी माइनस बी सी अभी मैं सिखा रहा हूं कि दो रो दो कॉलम में कोई अगर डिटरमिनेंट है तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं तो यह क्या हो गया डी माइनस बी सी क्लियर क्या आ गया ए डी माइनस बी सी तो डिटर्मिनाट एक जैसे यहां फॉर एग्जाम्पल तो आपको कोई पूछे मैट्रिक्स और क्या था? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है जब हम किसी चीज को रो और कॉलम में अरेंज करते हैं और इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज कर देते हैं तब उसको हम कहते हैं क्या है मैट्रिक्स लेकिन कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटर्मिनाट क्या है उसका एक वैल्यू होता है नंबर और दो रो दो कॉलम हो तो उस अरेंजमेंट का क्या डिटरमिनेंट में वैल्यू होगा इसके बराबर होगा जैसे यहां पर ए एक मैट्रिक्स है ये टू माइनस थ्री फाइव सिक्स इसका कोई वैल्यू है नहीं वैल्यू है चूंकि यह अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट का हमने पढ़ा कैसे प्लस किया जाता है कैसे माइनस किया जाता है इन सब बारे बारे में हमने बात किया लेकिन जब इसी को हम डिटर्मिनाट ए में लिख देंगे ऐसे इसका एक वैल्यू होगा ये है ऐसा ही होना है इसका ये मतलब है इसका कोई प्रूफ नहीं है मैंने आपको पहले बताया मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक डिफरेंट तरह के अलजेबरा हैं इसमें कुछ लॉ बनाए गए आपको उस रूल को फॉलो करना है ठीक है ये ऐसा होगा ऐसा हम समझेंगे तब जाके सवाल क्या होगा बनेगा तो इसका क्या वैल्यू है टू इंटू सिक्स इसका ये मतलब हो गया टू इंटू सिक्स माइनस बीच में माइनस होगा हमेशा थ्री इंटू फाइव तो क्या हुआ बेटा 12 plus 15, क्या हो गया आंसर ट्वेंटी सेवन देखो इसका एक नंबर आया तो डिटर्मिनाट बेटा क्या है नंबर है आई बात समझ में और मैट्रिक्स क्या है अरेंजमेंट है ये दो बात को हमने सीखा जब दो रो और दो कॉलम और डिटर्मिनाट में तो उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है उसका वैल्यू निकालने का ये तरीका है इसका यही मतलब है ये डिफरेंट तरह का अलजेबरा है पहले उस हम अलजेबरा को सीखेंगे और फिर तब उसके आधार पर काम करेंगे तो दो रो दो कॉलम का आपने समझ लिया फोर पॉइंट वन में एक्सरसाइज में दो रो दो कॉलम के बहुत सारे सवाल दिए हुए अब हम तीन रो और तीन कॉलम का भी आपको बताते हैं कि अगर तीन रो और तीन कॉलम हो तो डिटर्मिनाट का वैल्यू कैसे निकलता है नंबर चार इस चार पॉइंट में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है समझ में आ रहा है सबको नित्या वगैरह सबको आ रहा है समझ में अमृतांश वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनाट ऑफ द ऑर्डर थ्री इंटू थ्री गौरव तेरे भाई से बात हुई तुम तो बताया ही नहीं कि तेरा बड़ा भाई भी मुझसे पढ़ता था सीए फाउंडेशन में उसने बात किया तो जब तीन रो और तीन कॉलम हो तब कैसे निकालेंगे इसका बाप सीखिए पहले पहले हम पूरा आपको बताते हैं मैनुअल फिर उसको डायरेक्ट करने का तरीका हम आपको बताएंगे राइट जैसे कोई मैट्रिक्स है फॉर एग्जाम्पल यहां में वन 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 टू वन थ्री याद है टू वन थ्री वन थ्री थ्री टू थ्री थ्री रो एन कॉलम तो बराबर होना ही चाहिए तीन रो तीन कॉलम ठीक है देखो तुम नहीं बताए तो बता रहा था तो डिटर्मिनाट ए क्या होगा ऐसे लिखेंगे ए वन वन टू वन टू 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 थ्री इसका वैल्यू हमको निकालना है व्हाट क्या होगा तीन डो तीन कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा बुक आपका तीन डो तीन कॉलम से भरा पड़ा हुआ है तो ये आपको सीखना है कैसे निकालते हैं स्टेप्स क्या है स्टेप नंबर वन पहले लिखा रहा हूं फिर डायरेक्ट कराऊंगा सेलेक्ट एनी वन रो और कॉलम कोई एक रो या कॉलम सेलेक्ट करो एक ही रो लेना है चाहे आप फर्स्ट रो सेलेक्ट करो चाहे आप सेकेंड रो सेलेक्ट कीजिए या थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कोई एक लेना है सबसे आंसर सेम आना है अभी मैं एक दो करके आपको दिखा देता हूँ तो पहले कोई एक रो या कॉलम सेलेक्ट कीजिए ठीक है और भी हम बताएंगे टेक्निक की कौन सा रो सेलेक्ट करना चाहिए आंसर से आंसर सबसे सेम आएगा लेकिन आसानी के लिए कौन सा रो हम सेलेक्ट करेंगे या कॉलम उसके भी टेक्निक से लेकिन शुरुआत में नहीं हम आगे चर्चा करेंगे सेकेंड नंबर मल्टीप्लाइंग आई प्लस जे माइनस वन पर कोई हर एलिमेंट का कोई रो एंड कॉलम होगा ये जो मैं एलिमेंट आपको लिख रहा हूं इसको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाइंग दिस नंबर ऑफ द डिटर्मिनाट रिमूविंग आई थ्रो पहले लिखिए फिर समझाता हूं जेथ कॉलम दिस ऑफ द डिटर्मिनाट रिब्यूविंग आई थ्रो एंड जेथ कॉलम ठीक है फॉर each एलिमेंट selected इन रो और कॉलम कॉलम फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेलेक्टेड रो या कॉलम पहले कोई रो एंड कॉलम हम पूरी बात आपको लिख के समझाएंगे आप ध्यान से सुनो क्या काम करना है कि एक रो या कॉलम लेना है पहले बात को समझिए फिर जिस रो को आपने लिया है ईच एलिमेंट का ये मल्टीप्लाई करना है वह एलिमेंट जिस रो एंड कॉलम में रहे ठीक है उस रो एंड कॉलम को रिमूव करके जो डिटरमिनेंट बनता है उससे मल्टीप्लाई कीजिए और तीसरा स्टेप आप समझिए ये सेकेंड स्टेप है थर्ड स्टेप आप समझिए थर्ड स्टेप क्या समझना है जब मैं इसका एग्जाम्पल करूंगा तो यही बात फिर फिर दो आऊंगा और एड इट और सबको एड कर दीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वही डिटर्मिनाट ले रहे हैं जो अभी ऊपर लिखे हैं ए वन वन टू वन टू 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 थ्री थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री ध्यान दो लिख लिया सेकेंड स्टेप बेटा अभी समझा रहा हूं नित्या अभी समझा रहा हूं यहां से समझ जाएगा सेकेंड स्टेप कोई एक रो लेना है मान लिया जाए हम आर वन लेते हैं पहले हम आर वन से समझा रहे हैं आप आर टू भी ले सकते हैं आर थ्री भी ले सकते हैं तो क्या काम करना है सेकेंड स्टेप पहले आप किसी एक रो या कॉलम को सेलेक्ट कीजिए तो पहला स्टेप देखिए हमने आर वन को सेलेक्ट किया सेलेक्ट आर वन आप आर टू भी ले सकते हैं आर थ्री यही प्रोसेस सब में अपना सकते है. step, हैं सेकेंड स्टेप जो स्टेप्स लिखे हैं वही बता रहा हूं क्या करेंगे कि ईच एलिमेंट को लीजिए यह एलिमेंट है माइनस वन आई प्लस जे कौन सा रो कॉलम है वन प्लस वन ये मल्टीप्लाई करना है कौन सा डिटर्मिनेंट में तो कहता क्या है यहाँ पर क्या लिखे हैं रिमूविंग आई थ्रू एंड जोथ कॉलम या एलिमेंट जिस रो एंड कॉलम में होगा उस रो एंड कॉलम को आप रिमूव कर दीजिए कैसे रिमूव करोगे आप देखो ये कॉलम में है तो वन कॉलम और वन रो ये रिमूव हो जाएगा रिमूव तो हो जाएगा तो क्या बचेगा ए टू 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 थ्री थ्री टू थ्री थ्री इसका वैल्यू मालूम है पॉजिटिव होगा वन प्लस वन टू ए वन वन मालूम है और इसको आप क्रॉस करके क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ गया फिर क्या करेंगे फर्स्ट रोल ए वन टू लीजिए माइनस वन वन प्लस टू ए वन टू जो एलिमेंट लेंगे वह एलिमेंट जिस रो एंड कॉलम में उसको हटा देंगे जैसे ये वन टू लिया तो एक रो को हटा देना है और ये कॉलम को हटा देना है तो जो जो बचता है लिखो ये इस रो और इस कॉलम को हटाने के बाद क्या क्या बचेगा एलिमेंट ए टू वन टू थ्री थ्री वन थ्री थ्री इसका भी वैल्यू निकालो जो भी आएगा इसका भी वैल्यू निकालिए जो भी आएगा बी नंबर अभी एक एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे अब नित्या कुछ आ रहा है समझ में अब ए वन थ्री लीजिए तीसरा एलिमेंट थर्ड एलिमेंट को लीजिए पूरा रो के एलिमेंट को हम लोग लेंगे यहां पर लीजिए क्या होगा माइनस वन वन प्लस थ्री ए वन थ्री वन थ्री किस रो कॉलम में ये थर्ड रो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में हट जाएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम क्या बचेगा यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करके उसे ही निकालेंगे ए टू वन टू टू थ्री वन थ्री टू ये जो आए सी और तीसरा स्टेप है सबको ऐड कर देना ए प्लस बी प्लस सी ये जो आएगा वही वैल्यू ऑफ डिटर्मिनाट होगा एक एक एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिकल लेता हूँ ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनाट कहलाएगा नित्याया समझ में पहले कोई एक रो सेलेक्ट किया हम फर्स्ट रो सेलेक्ट किए ईच एलिमेंट को लीजिए माइनस वन पा पावर आई प्लस जे जो रो कॉलम है माइनस वन पा पावर होगा उस एलिमेंट को लीजिए ई आई एलिमेंट जिस रो एंड कॉलम में उसको हटा दीजिए बाकी का डिटर्मिनाट को मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है यह जो वैल्यू आएगा तीनों तीन रो तीन कॉलम है तीन वैल्यू आएगा इस सबको हमको ऐड कर देना अब एक नंबर से हम बात को बतलाते हैं यही वैल्यू ऑफ डिटर्मिनाट होगा इस स्टेप को आपने लिख लिया थर्ड स्टेप भी आप लिख लीजिए नित्या सेकेंड स्टेप आया समझ में जैसे एक एग्जाम्पल से मैं उसको क्लियर करता हूं यही वैल्यू ऑफ डिटर्मिनाट होगा ये क्या लिखा है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनाट यही वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होगा जैसे इसे एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं देखो एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट डिटर्मिनाट यही लिख देता हूं फर्स्ट रो हम सेलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट रो डायरेक्ट करेंगे देख लो वन रो वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम तो इसका सम क्या होगा माइनस वन वन प्लस वन आगे हम डायरेक्ट साइन बता देंगे आपको कि डायरेक्ट साइन लेना है कैसे फिर इसे एलिमेंट को लीजिए टू ठीक है फिर जो है दो जिस दो रो कॉलम में उसको छोड़िए वन रो वन कॉलम सिक्स जीरो वन टू क्या आया वैल्यू पहले ही आ लिए सबको ऐड करना है तो एक साथ ही ऐड कर देते हैं प्लस फिर है माइनस वन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहां पर क्या है माइनस थ्री ये जिस रो कॉलम में छोड़िए फाइव जीरो थ्री टू वाई एलिमेंट डिटर्मिनाट किसका लेना ये ध्यान रखिए कि जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वह एलिमेंट जिस रो और कॉलम में हो उस रो एंड कॉलम को छोड़ के बाकी का डिटरमिनेंट निकालना है राइट फिर तीसरा है अब हम क्या करेंगे वन थ्री माइनस वन ये तो होगा ही वन प्लस थ्री ये क्या हो गया इन टू एलिमेंट क्या है फोर क्या होगा जी यहाँ देखो फोर जिस रो कॉलम में छोड़िए फाइव सिक्स और थ्री वन क्या आया माइनस वन पर आप सभी बच्चे जानते हैं माइनस वन पर पावर क्या हो और. तो माइनस वन अब माइनस वन पर पावर ई वन हो तो प्लस वन ये आप सभी लोग जानते हैं राइट right? ये हो गया पॉजिटिव टू ये क्या हो गया सिक्स इंटू टू माइनस जीरो इंटू वन ये माइनस वन और वन प्लस थ्री ये क्या हो गया निगेटिव और निगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव फाइव इंटू टू और माइनस हो गया जीरो इंटू थ्री और तीसरा क्या हो गया ये देखिए वन प्लस थ्री वन है तो ये हो गया पॉजिटिव और ये है, चार फाइव इंटू वन माइनस सिक्स इंटू थ्री क्या आया ट्वेल्व ये तो जीरो हो गया ट्वेंटी फोर ये जीरो हो गया थर्टी ये फाइव और माइनस एटीन तो फाइव और माइनस एटीन कितना हुआ माइनस थर्टीन तो ये हो गया माइनस एटीन माइनस फाइव थर्टीन माइनस थर्टीन इंटू फोर फिफ्टी टू सबको आप कर दीजिए ये हो गया फिफ्टी फोर तो कितना हो गया टू यही आंसर आपका होगा आया समझ में हमने पहले एक रो को सेलेक्ट किया अभी एक दो और हम समझा देते हैं इसी में ठीक है डायरेक्ट हम साइन साँग समझा देते हैं कि जब हम डिटर्मिनाट का वैल्यू आप लेंगे तो कैसे साइन लेंगे कोई भी एक रो या कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है अब जैसे हमने फर्स्ट रो लिया सेकेंड रो लेके भी हम सवाल बनाते हैं देखिए ये टू आंसर आता है या नहीं आता है ठीक है टू आंसर आना चाहिए सेकेंड रो लेके चलते हैं जी चलो आ गया समझ में सबको वेरी गुड गौरव आ रहा है समझ में गौरव को भी आ गया समझ में देखिए अल्टरनेटिव बता रहा हूं क्या डिटरमिनेंट था टू माइनस थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो थ्री वन टू चलो हम सेकेंड रो लेके बनाते हैं सेकेंड रो ये वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम देखो आंसर सेम आता है या नहीं आता है माइनस वन सेकेंड रो तो टू प्लस वन एलिमेंट क्या है फाइव इसका डिटर्मिनेंट रो एंड कॉलम को छोड़िए माइनस थ्री फोर और वन और टू फिर लो माइनस वन तो सब में आएगा टू प्लस टू अब कौन एलिमेंट है सिक्स उसके रो कॉलम को छोड़िए क्या आ गया टू फोर और थ्री टू फिर करेंगे माइनस वन टू प्लस थ्री अब कौन एलिमेंट है जीरो तो जीरो वाले में तो जीरो ही हो जाएगा इसमें सोचने का जरूरत ही नहीं है टू माइनस थ्री और ये आ गया थ्री और वन करके देखिए ये ऑड पावर है निगेटिव तो माइनस फाइव ये क्रॉस कर लोगे माइनस सिक्स माइनस फोर ये क्या हो गया पॉजिटिव सिक्स है अब तो इतना बना लोगे फोर माइनस और ये तो जीरो ही होगा चूंकि जीरो है एलिमेंट दस है माइनस फिफ्टी प्लस फिफ्टी और ये कितना हो गया माइनस फोर्टी एट देखो टू आंसर आया तो कोई भी रो आप कॉलम में भी ले सकते हैं तो कोई भी रो एंड कॉलम ले लीजिए माइनस वन पर पावर आई और जे ये करना जे, करते जाइए और, और हो। तो डायरेक्ट भी साइन रख सकते हैं कैसे साइन रखेंगे डायरेक्ट साइन मैं आपको बता रहा हूं कि माइनस वन पर पावर आई और ये बार बार नहीं करना पड़े ये तो सीखने के लिए और फिर जो रो या कॉलम आपने सेलेक्ट किया उसके एक एलिमेंट को आप लीजिए एक एक एलिमेंट वह एलिमेंट जिस रो एंड कॉलम में उसको छोड़ दीजिए बाकी के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए डिटर्मिनाट में और इस तरह सब को ऐड कर दीजिए ये आपका आंसर हो जाएगा समझ में आया अब डायरेक्ट मैं साइन बता रहा हूँ साइन याद रखिए ये आपको सबको आ गया होगा देखिए आंसर कोई एक रो और कोई एक ही कॉलम आपको लेना है बेटा जी और उससे आपको आंसर आ जाएगा ठीक है या नॉट में मैं, मैं लिख देता हूं साइन फॉर फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द ऑर्डर थ्री इंटू थ्री ये साइन याद रखिए डायरेक्ट बहुत आसान है वन रो टू रो थ्री रो देखिए वन प्लस वन टू तो पॉजिटिव होगा माइनस वन पर पावर तो अब माइनस वन पर पावर आई प्लस ये बार बार नहीं करना पड़े अब साइन अपोजिट वन प्लस टू देखिये अपोजिट हो गया वन थ्री टू वन माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं माइनस वन आई और जे नहीं करना पड़ेगा चलो इसी बात पर मैं डायरेक्ट उसी सवाल को बनाता हूं कॉलम जो है सी वन लेके देखते हैं आंसर से हमारा आ रहा या नहीं आ रहा एग्जाम्पल देखो वही सवाल था टू माइनस फाइव सिक्स जीरो थ्री वन टू फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो कॉलम वन हम कॉलम ले रहे हैं फर्स्ट कॉलम देखो वही आंसर सेम आता है ना जी फर्स्ट कॉलम देखो सबसे आंसर सेम आएगा अब इसका ऑर्डर क्या है ये साइन ध्यान रखिए वन और वन टू पॉजिटिव टू और वन थ्री देखो निगेटिव तो क्या करेंगे इस एलिमेंट को लीजिए साइन रखिए पॉजिटिव ये जो है ये साइन रखेंगे फिर है इंटू टू इंटू पॉजिटिव है तू तो क्या पॉजिटिव रखेंगे टू ठीक है रू एन कॉलम को छोड़िए सिक्स जीरो वन टू फिर लेंगे फाइव निगेटिव साइन प्लस करके निगेटिव रखेंगे ये निगेटिव साइन लीजिए क्या है फाइव राइट क्या हो गया इस रो एन कॉलम को छोड़िए फिर है जी थ्री फिर क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव साइन लिखना नहीं है अब डायरेक्ट पहली बार मैं बता रहा हूं आप प्लस टू है या माइनस फाइव डायरेक्ट हो जाएगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं ये केवल सिखाने के लिए है आपके लिए तो क्या हो गया थ्री ये क्या हो गया माइनस थ्री फोर सिक्स जीरो चलो सॉल्व करो अब बारह माइनस जीरो माइनस फाइव माइनस छ माइनस चार ये जीरो माइनस क्या आया ट्वेंटी फोर प्लस छह चार दस पचास और ये हो गया कितना सॉरी ट्वेल्व माइनस जीरो फिर है निगेटिव फाइव माइनस थ्री फोर ओ और वन टू सिक्स माइनस फोर माइनस टेन इंटू फाइव फिफ्टी और ये कितना हो गया सेवेंटी टू देखो अंत में टू आंसर आया तो कैसे भी रो एंड कॉलम में लीजिए आंसर सेम आएगा तो साइन का आपको खास ख्याल रखना है ठीक है और याद रखने का तरीका सीधा सा है सिंपल कैसे सिंपल है कि आप यहां पर प्लस लिखो और साइन को अपोजिट करते जाओ ऊपर नीचे सब प्लस माइनस प्लस फिर प्लस, प्लस है तो नीचे माइनस फिर प्लस, प्लस करते जाओ अपने आप हो जाएगा और इस तरह से डायरेक्ट आप जो माइनस वन पर पावर आई प्लस जे करते थे ये काम आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा तो क्या करना है तीन रो तीन कॉलम में अब जरा ब्रीफ कर लें डिटर्मिनाट क्या है एक नंबर है इसमें रो एंड कॉलम की संख्या हमेशा बराबर होती है दूसरी बात ये स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा उसमें डिटर्मिनांट नहीं हो सकता है डिफरेंस क्या है कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है जबकि ये क्या है जी इसका एक वैल्यू होता है आगे का पॉइंट देखिए दो रो दो कॉलम में कैसे डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालते हैं ये सीखते हैं डिटर्मिनाट मॉडुलस नहीं है ये बात आप समझ गए होंगे तीन रो तीन कॉलम में कैसे निकालते हैं ये भी आपने समझ लिया होगा तो ये सब बातें आप समझ लिए आपके लिए 4.1 जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.1 होमवर्क है आज का होमवर्क एक्सरसाइज 4.1 ये सब को सबको करके आना है तो मेरे विचार से सारे बच्चे समझ गए होंगे और ये सब बच्चे करके आओगे आओगे ना तो आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है थैंक यू